हेलो फ्रेंड्स, आज हम नर्सरी क्लास की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 डिस्कस करी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देखिए, उसके बाद वर्कशीट 2 देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है यहाँ पे काउंट एंड कलर। यहाँ पे 5 तक के नंबर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं कुछ, बट हमें सिर्फ 1 सर्कल को ही कलर करना है। आप अपने बच्चे को कोई भी कलर दीजिए और उससे बोलिए आपको सिर्फ 1 सर्कल ही कलर करना है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द नंबर्स। इसमें हम बच्चों को नंबर को आइडेंटिफाई करना बताएंगे कि 1 नंबर कौन सा होता है, 2 नंबर कौन सा होता है, और इसके लिए काफी सारी एक्टिविटीज हमने इसमें कवर करी हैं, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करेगा। छोटी क्लास में बच्चों को इसी तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, ताकि वो नंबर को पहचानना सीख जाए। इस तरह से उन्हें शेप्स भी पता लगती है। जैसे हम बच्चे को बताएंगे सर्कल को कलर करना है, तो उसको ये सर्कल शेप भी पता लगेगी। आप उसको ग्रीन कलर देंगे तो उसको आपके बच्चे को कलर के बारे में भी पता लगेगा कि ये ग्रीन कलर है। नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सर्कल्स हैं, बट हमें सिर्फ 2 सर्कल्स को कलर करना है। 3, यहाँ पे हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप सिर्फ 3 सर्कल्स को कलर कीजिए, 1, 2, 3। शेप पता लगी हमें कौन सी शेप है सर्कल, कलर पता लगा हमें कौन सा कलर है ब्लू। नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे हमने 4 सर्कल्स में कलर करे हैं। नेक्स्ट 5, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 सर्कल्स हैं, हमने सारे 5 सर्कल्स में सर्कल कर दिए। इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, इसके आगे अभी हम बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट एंड सर्कल। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, देन इन 3 नंबर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर करेक्ट है और उसको सर्कल करना है। यहाँ पे हमारे पास कितनी कार्स हैं, 1, 2, तो बच्चे को फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर करेक्ट है। दिस नंबर इज करेक्ट, दैट इज 2, तो हम इसको सर्कल करेंगे। काउंट द फिश, 1, 2, 3, फर्स्ट नंबर ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है 3 नंबर, तो हम इसको सर्कल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने एप्पल है, 1, तो हम यहाँ पे 1 को सर्कल करेंगे। काउंट दीज आइसक्रीम्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 5 नंबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 5 को सर्कल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 मंकीज है हमारे पास यहाँ पे, तो हम 4 को यहाँ पे, दिस नंबर इज 4, 4 को सर्कल कर देंगे। इस तरह से बच्चे को काउंट करना भी आएगा, सर्कल ड्रॉ करना भी आएगा और नंबर को आइडेंटिफाई करना भी आएगा। नेक्स्ट, मैच द सेम नंबर। ये एक्टिविटी भी नंबर को रेकोनाइज करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि फर्स्ट हमारा लिखा है 1, हमें यहाँ पे बच्चे को पूछना है कि बताइए कौन सा नंबर 1 है। बच्चा फाइंड करेगा, दिस नंबर इज सेम एज इट इज दिस नंबर, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। सेकंड 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैंने ये बनाया है, आप 10 तक भी बना सकते हैं। पहले कम देना चाहते हैं तो 5 तक भी बच्चे के लिए बना सकते हैं शीट, और फिर हम 2 मैच करेंगे, 2 हमारे पास यहाँ पर है। देन 3 फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, 3 हमने मैच कर लिया। 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है, बट छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिससे कि वो नंबर को पहचानना सीख जाए, बोलना सीख जाए और खेल खेल में उन्हें काउंटिंग भी लर्न हो जाए। सर्कल द सेम नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। सेम ये एक्टिविटी भी नंबर को रेकोनाइज करने के लिए है। फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3, और हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, बट हमें इस नंबर को ही सर्कल करना है जो सेम नंबर है। तो 3 हम फाइंड करेंगे, दिस इज नॉट 3,
थ्री इसको हम सर्कल कर देंगे, यहाँ पर थ्री है इसको सर्कल कर देंगे, यहाँ पर थ्री है इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेवन, इस लाइन में हमारे पास जितने भी सेवन नंबर है उनको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट फाइव, इस लाइन में हमारे पास देखिए 6 8 5 3 5, 2 टाइम्स हमारे पास फाइव है, हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन, वन 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वन रेकोनाइज करना आया बच्चे को। सीक्वेंशियली भी आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं, 1 2 3 4 लिख के, और जब बच्चे को करना आ जाए तो पजल भी एक तरह का हो जाएगा ये। और जैसे रैंडमली कोई भी नंबर आपने बच्चे से पूछा कि 3 बताइए, तो वो जब उसको पहचानना आ जाएगा तो उसके बाद ये एक्टिविटी उसके लिए एक लेवल अप काम करेगी। नेक्स्ट एट, एट को सर्कल कर देते हैं। टू, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इस लाइन में टू है उनको सर्कल कर देंगे। सिक्स, सिक्स नंबर को सर्कल कर देंगे। देन फोर, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर 4। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर बना के, जैसे एरोप्लेन की बनाई है मैंने, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दीजिए, बस 4 नंबर को बोलिए आइडेंटिफाई करने के लिए, या तो कलर करने के लिए बोल दीजिए, सर्कल बनाने के लिए, स्क्वायर की शेप आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो स्क्वायर की शेप बनाने के लिए बोल दीजिए। तो इस तरह से शेप बनानी भी आएगी बच्चे को, और नंबर 4 इस तरह से 4 5 बार अगर वो बच्चा उसको सर्कल करेगा तो उसको 4 नंबर आइडेंटिफाई करना भी आ जाएगा। चलिए एरोप्लेन में हम देखते हैं, फर्स्ट इस पार्ट में देखते हैं कितनी बार हमारे पास 4 है। यहाँ पर हमारे पास 4 है, 6 5 2 4, तो यहाँ पे जब बच्चा सर्कल करेगा 4 4 ऐसे बार बार बोलेगा तो उसको 4 की प्रोनाउंसिएशन भी आएगी और उसको 4 नंबर आइडेंटिफाई रेकोनाइज करना भी आएगा। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितनी बार 4 है, 1 2। नेक्स्ट इस पार्ट में देखते हैं, एक बार ही हमारे पास यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये नंबर 4 नहीं है। इस तरह से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट सर्कल द नंबर 9। अब आप बच्चे को बताएंगे कि हमारे पास टेडी बेयर है और हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बताइए कहाँ पे हमारा नंबर 9 है। यहाँ पर है, इसको सर्कल करते हैं, यहाँ पर है 9 9 9, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 9 है। इस एक्टिविटी के बाद हम बच्चे को ये भी पूछ सकते हैं कि तो पिक्चर में टोटल नंबर ऑफ 9 कितने हैं, जैसे कि 4 टाइम्स है, तो ये एक बात की एक्टिविटी है कि हम उससे ये चीज भी पूछ सकते हैं, या कुछ भी, जैसे इससे पिछली वाली में हमने 4 नंबर रेकोनाइज किया था कि कितनी बार हमारा 4 नंबर रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, तो वो भी बच्चे को करना आ जाएगा। नेक्स्ट सर्कल द बिग वन, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी वन लिखा है, ये भी वन लिखा है, दोनों तरफ वन लिखा है, बट हमें सर्कल किसको करना है, बिग को, जो भी हमारा बिग है। तो इससे बच्चे को एक एक्टिविटी नंबर पहचानने की आई, एक एक्टिविटी सर्कल करने की आई, और एक हमारा नंबर रेकोनाइज करने के लिए आया है। सर्कल द बिग टू, यहाँ पर भी हमारे पास 2 बार नंबर लिखे हुए हैं, दिस वन इज स्मॉलर देन दिस, तो हमारा ये इससे बिग हुआ, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। इस तरह से 3 4 5 या स्मॉल को सर्कल करने के लिए बोल दीजिए कभी, तो स्मॉल और बिग फाइंड करना भी आएगा बच्चे को, और नंबर रेकोनाइज करना भी आएगा। कलर द नंबर 3, इस तरह से 2 नंबर दे दीजिए बच्चे को और उससे कहिए 3 नंबर सेम एज इट इज, ये हमारे पास सेम सेम नंबर दिख रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर इसको बच्चे को कलर करने के लिए बोलना है कि ये हमारा नंबर 3 है। थोड़ा हम बड़ा सा बना के देंगे उसके अंदर कलर करने के लिए, तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से पहचान में आएगा। इस तरह से और भी नंबर दे सकते हैं, और भी एक्टिविटीज करा सकते हैं। ये हमारी वर्कशीट सिर्फ नंबर को रेकोनाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।